हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माई हॉबी। यह है क्लास फोर की बुक स्प्रिंग का डे 21 और चैप्टर का क्या नेम है? माई हॉबी। माई मीन्स मेरी, हॉबी मतलब आदत। तो देखो, सबकी हॉबी अलग अलग होती है कि नहीं। किसी को कुछ करना पसंद होता है, किसी को खाना बनाना पसंद होता है, किसी को बर्तन धुलना पसंद होता है, किसी को कपड़े धुलना पसंद होता है, तो किसी को झाड़ू लगाना पसंद होता है। तो जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं करना, वो हमारी क्या होती है? आदत। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है? रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। क्या लिखा है? हेलो आई एम करीम। हेलो मीन्स हेलो, आई मतलब मैं, करीम हूँ। गार्डनिंग इज माई हॉबी। गार्डनिंग मीन्स क्या होता है? बागबानी। इज मतलब है, मेरी मतलब माई मतलब मेरी, हॉबी मतलब आदत। बागबानी मेरी आदत है, ठीक है। आई हैव अ बिग गार्डन इन माई हाउस। आई मीन्स मेरे, हैव मीन्स पास है। ए बिग गार्डन मतलब क्या होता है? एक बड़ा बगीचा। कहाँ? इन माई हाउस, मेरे घर में, ठीक है। मेरे पास एक बड़ा बगीचा मेरे घर में है। समझ में आया कि नहीं? देयर आर मेनी प्लांट्स इन माई गार्डन मतलब कि मेरे बगीचे में बहुत पौधे हैं, ठीक है। आई सी मैनी फ्लावर्स, मैं बहुत फूल देखता हूँ। कहाँ? इन माई गार्डन मेरे बगीचे में, मैं मेरे बगीचे में बहुत फूल देखता हूँ, ठीक है। अब अगला क्या दिया है? लुक एट द पिक्चर्स, आंसर द गिवन क्वेश्चंस एंड रीड अलाउड। तो सबसे पहले पिक्चर देखना है और देखना कि क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या हो रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। स्किपिंग, स्किपिंग मतलब क्या होता है? रस्सी कूदना। फिर प्लेइंग मार्बल्स, मार्बल्स मतलब क्या होता है? कंचे खेलना। कंचे जानती हो कि नहीं? गोली जिनको बोलते हो। फिर साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना। ड्राइंग मतलब लेखन करना, ठीक है। फिर चित्रकारी करना, ड्राइंग मतलब चित्रकारी करना। डांसिंग मतलब नाचना। प्लेइंग फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलना। सिंगिंग मतलब गाना। अब इन सभी, ये सारे गेम हम लोग जानते हैं ना, हम लोग ये सब खेले भी हैं और तुम लोग खेलते भी हो। तो अब आगे देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द एक्टिविटीज़ इन द अबव पिक्चर्स आई लाइक द मोस्ट। इन सभी गेम्स में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी तुम लोगों को कौन सी पसंद है? सबकी अलग अलग होगी। जैसे आर्यन को साइकिलिंग पसंद है, ठीक है। और बताओ, सोनम को कौन सी पसंद है? क्या? रस्सी कूद, स्किपिंग, इसको क्या बोलते हैं? अब बताओ, खुशबू को कौन सा गेम पसंद है? डांसिंग। खुशबू डांसिंग ज़्यादा करती, डांस ज़्यादा करती है ना, तो इनको डांसिंग पसंद है। और ये, इनको क्या पसंद है? हाँ, चल को बताओ, डांसिंग, ठीक है। देखा, सबकी अलग अलग आदत निकली कि नहीं? खुशबू की आदत निकली, इनको डांस करना पसंद है सबसे ज़्यादा, तो इनकी आदत क्या है? जहाँ देखो नाचने लगती हैं, ठीक है। और ये सोनम क्या, जहाँ देखो कूदने लगती है, रस्सी मिल गई ये कूदने लगी। आर्यन को साइकिल मिली कि नहीं, पूरा ये घूमने लगी। ये बिल्कुल सही है, आर्यन को साइकिलिंग हमने देखा भी है, बस साइकिल चलाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या भरेंगे? जिसको जो पसंद हो वो ये भरेगा। सोनम क्या भरेंगी? स्किपिंग। आर्यन क्या भरेंगे? साइकिलिंग, ठीक है। अब राइट द नेम्स ऑफ द इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। देखो, तो हमको इसमें इंडोर गेम और इसमें आउटडोर गेम लिखना है। इंडोर गेम क्या होते हैं? जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? और आउटडोर गेम क्या होते हैं? जो हम घर में ना खेल सके, मतलब उनको खेलने के लिए हमको कहाँ जाना पड़े? बाहर। तो देखो क्या क्या हम घर में खेल सकते हैं। जैसे कि हम क्या स्किपिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट घर में नहीं खेल सकते, साइकिलिंग घर में नहीं कर सकते, ड्राइंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, कहाँ? घर के अंदर। तो इसीलिए कौन कौन से इंडोर गेम हुए? स्किपिंग, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब आउटडोर गेम्स कौन से हुए? जो घर के बाहर मतलब मैदानों में हमको खेलने के लिए जाना पड़े, तो प्लेइंग क्रिकेट, फिर प्लेइंग मार्बल्स, फिर क्या आया? साइकिलिंग, वेरी गुड। फिर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये सारे हो गए आउटडोर गेम्स। अब इंडोर आउटडोर गेम समझ में आया कि नहीं? इंडोर जो घर के अंदर खेल सके, आउटडोर जो घर के बाहर, ठीक है। तो ये चैप्टर हुआ हम लोगों का कंप्लीट। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम है ए क्रो एंड अ फॉक्स। समझ में आया कि नहीं? तो ये आज ये हुआ कंप्लीट। धन्यवाद।